शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर जोधपुर में आर्य वीरों ने मशाल जुलूस यात्रा निकालकर अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्य वीर दल जोधपुर के तत्वावधान में 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर शनिवार को मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस सोजती गेट राजीव गांधी सर्कल पर संपन्न हुआ। जालोरी गेट चौराहे पर मशाल प्रज्वलित करते हुए शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि जंगे आजादी का सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी और युवाओं के प्रेरक शहीद आजम भगत सिंह ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर देश आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का 13वां बलिदान दिवस है। इन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को 23 वर्ष की उम्र में बलिदान कर दिया था और देश की युवाओं को एक नई प्रेरणा दी थी कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उसकी आजादी के लिए हमें अपना बलिदान देना चाहिए, कुछ कर गुजरना चाहिए। यही संदेश लेकर भगत सिंह और इन तीनों मित्रों ने अपना बलिदान दिया और आज आर्यवीर दल और आर्य समाज द्वारा स्वर्गीय मदन सिंह जी आर्य और राम सिंह जी आर्य के नेतृत्व में पिछले कई सालों से यह मशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। आज इस मशाल जुलूस का 53वां वर्ष है। मैं इन सब शहीदों को बहुत बहुत सत सत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस दौरान जालोरी गेट युवा ग्रुप की तरफ से पुष्प वर्षा से जुलूस का स्वागत किया गया तो पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने कार्यक्रम की सराहना की। मुझे इस बात का गर्व है कि हम ऐसे विचारधारा, ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिनका देश की आजादी में जो आंदोलन में जो उनका अपनी कुर्बानियां थी, आज जो स्थिति है जो देश के अंदर है वो सब देश की जनता जानती है। भगत सिंह जैसे लोग जिनके मन में ये तमन्ना थी कि देश के लिए हमको मरना है, कुछ भी हो जाए देश को आजाद, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी इस देश के अंदर हुए, राम प्रसाद तमाम जो लोगों ने अपनी आहुतियां दी, हम लोग आज उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जुलूस जालोरी मुख्य चौराहे से नई सड़क राजीव गांधी चौराहे तक शहीदों के जयकारों और देशभक्ति गीतों के साथ जुलूस को निकाला गया, जिसमें विद्यार्थी, युवा, महिला और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान मार्ग में रेलवे यूनियन, व्यापारी संगठनों ने जगह जगह फूलों की बौछार से स्वागत किया। आज देश के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि देने सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने ओम ध्वज, शहीदों के जयकारों के नारे हाथ में लेकर जालोरी गेट से होकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल, रणछोड़ जी मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन से सोजती गेट से नई सड़क पहुँच कर रैली का समापन किया। इस दौरान मदन गोपाल आर्य, जितेंद्र सिंह आर्य, पूनम सिंह शेखावत, प्रधान गणपत सिंह आर्य, द्वारका प्रसाद, गजेश सिंह भाटी, विष्णु प्रकाश, भंवर लाल हटवाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी। और धन्यवाद देती हूँ आर्य वीर दल और आर्य समाज के समस्त हमारे कार्यकर्ताओं का, जिसमें आदरणीय हरि सिंह जी आर्य, भंवर लाल जी आर्य, उमेश जी के नेतृत्व में, जितेंद्र जी के नेतृत्व में ये मशाल जुलूस निकाला जाता है जो कि सोजती गेट, जालोरी गेट से लेकर राजीव गांधी की मूर्ति तक समापन किया जाएगा। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आर्य वीर दल और आर्य समाज। Available on Google Play and App Store. Download it now.